देखो सबसे पहले जो प्रायोरिटी आती है वो देखो अभी तक मैक्सिमम क्वेश्चन में CWH आया हुआ है। अब ये क्वेश्चन जो आ गया था ये बाउंसर आ गया था, कई बच्चों को मैसेटल ऑक्साइड पता ही नहीं होता था। अब बच्चों को ये स्ट्रक्चर ही नहीं पता था और ये स्ट्रक्चर नहीं पता था इसलिए क्वेश्चन क्या हो गया था, छूट गया था। The correct decreasing order of priority of functional groups in naming an organic compound as per IUPAC system of nomenclature। तो देखो प्रायोरिटी के ऊपर है, यहाँ से ही समझ में आ जाएगी प्रायोरिटी लिस्ट। सबसे पहले प्रायोरिटी लिस्ट में आता है CWH, सही बात है। CONH2 नहीं, CONH2 और COCl में COCl पहले आता है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। SO3H सेकेंड नंबर पर आता है, COCl सही है, CONH2, COCl और CONH2 ये भी सही है, और देन साइनाइड। यहाँ पर एस्टर है, एस्टर COCl2, ये गलत है क्योंकि NH2 और CO में CO पहले आएगा और NH2 क्या आएगा, बाद में आएगा। यहाँ पर ये भी गलत है, तो अपना सही ऑप्शन क्या जा रहा है, SO3H। तो देखो सबसे पहले जो प्रायोरिटी आती है वो CWH आता है, मैं इसे फंक्शन ग्रुप के नाम लिख दे रहा हूँ, CWH, देन SO3H, देन एसिड एनहाइड्राइड, देन एस्टर, देन एसिड हैलाइड, देन एमाइड, देन साइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कोहल, थायो एल्कोहल, अमाइन। तो ये प्रायोरिटी ऑर्डर है, इस प्रायोरिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चंस को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, द करेक्ट IUPAC नॉमेनक्लेचर फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड। अब यहाँ पर कौन सा फंक्शन ग्रुप दिखाई दे रहा है, CWH। तो देखो अभी तक मैक्सिमम क्वेश्चन में CWH आया हुआ है ना। यहाँ पर एक नंबर नंबरिंग किधर जाएगी, दो नंबर, तीन नंबर, चार, पाँच और ये छः। कौन कौन से सब्स्टिट्यूएंट्स है, पहले सब्स्टिट्यूएंट्स देखो, ये सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल है, फंक्शन ग्रुप है कीटोन, पर यहाँ पर इसकी प्रेजेंस में एज अ सब्स्टिट्यूएंट यूज़ होगा और इसके लिए हम ऑक्सो वर्ड लगाएंगे। क्या वर्ड लगाएंगे, ऑक्सो। कितने नंबर पर मिथाइल आ रहा है, दो नंबर पर। ऑक्सो कितने नंबर पर आ रहा है, पाँच नंबर पर, तो टू मिथाइल फाइव ऑक्सो, ओवरऑल कितने कार्बन है, हेक्सेनोइक एसिड, तो टू मिथाइल फाइव ऑक्सो हेक्सेनोइक एसिड, कौन सा ऑप्शन जा रहा है, दिस वन, टू मिथाइल फाइव ऑक्सो, ओवरऑल छः कार्बन है, इसका कार्बन चैन में इंक्लूड है इसलिए हम ओइक एसिड यूज़ करेंगे, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड यूज़ नहीं होगा। स्पेशल सफिक्स तभी यूज़ होना है जब वो रिंग के साथ अटैच्ड हो और उसका कार्बन मेन चैन में काउंटेबल ना हो, तो इस जगह ओइक एसिड ही यूज़ होगा, ठीक। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखो, मैसेटिल ऑक्साइड इज़ ए कॉमन नेम ऑफ। अब ये क्वेश्चन जो आ गया था ये बाउंसर आ गया था, कई बच्चों को मैसेटिल ऑक्साइड पता ही नहीं होता था, और ऐसा क्वेश्चन मतलब बहुत पहले आया था ये क्वेश्चन मैसेटिल ऑक्साइड, जब फर्स्ट ऑफ शायद पहली बार जब एंटी ने लिया था उस टाइम ये क्वेश्चन दिया था। तो मैसेटिल ऑक्साइड जो होता है ये कंपाउंड का स्ट्रक्चर इसने नहीं दिया था और इस चक्कर में बहुत से बच्चों का क्वेश्चन छूट गया था, यदि स्ट्रक्चर दिया होता तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन हो जाता। मैसेटिल ऑक्साइड जो होता है वो एसीटोन का जब हम एल्डोल कंडेंसेशन कराते हैं उस टाइम बनता है, तो स्ट्रक्चर मैं बताता रहा हूँ मैसेटिल ऑक्साइड का, इट इज कॉल्ड मैसेटिल ऑक्साइड। अब बच्चों को ये स्ट्रक्चर ही नहीं पता था और ये स्ट्रक्चर नहीं पता था इसलिए क्वेश्चन क्या हो गया था, छूट गया था। हाँ, ये स्ट्रक्चर दिया होता तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखो मैं ये बिल्कुल वैसा ही होता है, थैलिडीन डाईक्लोराइड जैसा नाम हो गया, तो थैलिडीन डाईक्लोराइड जो था उसका स्ट्रक्चर नहीं दिया, ऐसे ही यहाँ पर मैसेटिल ऑक्साइड का स्ट्रक्चर नहीं दिया, तो यहाँ पर मेन फंक्शन कौन है, कीटोन, वन, टू,
थ्री फोर फाइव, तो क्या नाम हो जाएगा इसका, पेंट। चार नंबर मिथाइल है, फोर मिथाइल पेंट। कितने नंबर पे ईन है, थ्री ईन टू ओन, मैच कर लो, फोर मिथाइल पेंट थ्री ईन टू ओन बी। यहाँ पे ये कीटोन है, यहाँ एच नहीं लगा हुआ है, धोखा मत खाया ना, जब नहीं लगा हुआ है तो इसका मतलब यहाँ पे सी एच थ्री है, ये कीटोन फंक्शन ग्रुप है, ये एल्डिहाइड नहीं, एल्डिहाइड तब होता है जब यहाँ पे एच लग जाता है, एच थोड़ी नहीं लगा है, तो इट इज़ कीटोन। मेन चैन में पांच कार्बन, तीन नंबर पे डबल बॉन्ड। तो देखो ये क्वेश्चन मैक्सिमम लोगों से नहीं हुआ था, पर इथैलिडीन क्लोराइड ये हम पढ़ते हैं, वो क्वेश्चन हो गया था।